जय जय नागार्जुन भगवान, आत्रेय आयुर्वेद पीठ, व्यास विहार, ग्राम पंचायत तलवाड़ा, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। मैं आपको कुछ रॉ हर्ब्स से रूबरू करवाना चाहता हूँ, जो कि आगामी दिनों में च्यवनप्राश और ब्रह्म रसायन और अन्य योगों में पढ़ेंगे, और जिन्हें स्वयं शरद ऋतु में शास्त्रोक्त तरीके से संग्रहित किया है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे चिट लगे हैं विभीत की, और बहुत सारा विभीत की है, 20-25 किलो विभीत की। इसके साथ जो है वासा मूल, आप देख सकते हैं वासा मूल, और इसका जो है वो यवकूट करने के लिए तैयारी है। वहाँ पे आप देख सकते हैं हरड़ है, बहुत सारा इसका जो है वो गुणांतरित हो गई है और कुछ सूखने के लिए है। इसके साथ ही ये मांस पर्णी है, और ये चतुष्बला का मिश्रण है। अलग अलग बला भी हमारे पास हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो है वो कालमेघ है, कालमेघ पंचांग है, बिल्कुल फार्म फ्रेश है, स्वयं एकत्रित किया गया है। शिवनाक है, और शिवनाक का मूल छाल है, बहुत मात्रा में है। और उधर जो है वो अग्नि मंथ है, बकार जिसे हम बोलते हैं, रासना कंद है, और साथ में आप ये देख सकते हैं पाटला। तो पाटला का जो मूल छाल है वो भी संग्रहित करने के लिए जो है करके सुखाने और औषध योग के लिए जो है वो तैयार है। तो इसी के साथ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये सारा जो है वो बृहती मूल और पंचांग है, और इसके साथ जो है वो यहाँ पे शंख पुष्पी है। ये धूप में रखा है ताकि थोड़ा सा सूख जाए और यवकूट करने के लिए हमारे पास जो है वो आसानी हो जाए। असली दुकान अब मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ, ये देखिए मूंज मूल, ये है आपका नल मूल, ये है आपका दर्भ मूल, ये है आपका कुश मूल, ये है आपका काश मूल। इसमें गन्ने की जड़ जो है वो अभी हम ताजी ताजी एकत्रित करेंगे, और ये तृण पंचमूल जो औषध द्रव्य हैं वो सारे बन गए। ये ब्रह्म रसायन के घटक द्रव्य हैं। अब इसके साथ जो है फार्म फ्रेश हरिद्रा, फार्म फ्रेश हरिद्रा ये आप देख सकते हैं, और ये वच है, फार्म फ्रेश एकत्रित है, और ब्रह्म रसायन में पड़ेगी क्योंकि ये बामक हो जाती है, तो इसलिए हम इसे ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये एरंड मूल है छाल, ये जो है वो आपका शाली मूल है, ये भी इसका एक घटक द्रव्य है ब्रह्म रसायन का। ये देखिए आप बला, दृढ़ बला की तीसरी प्रजाति, ये बला की पहली प्रजाति, ये आपके पास रक्त चंदन, एरंड मूल तो मैंने आपको दिखा दिया, ये चित्रक मूल थोड़ा सा हम डालेंगे ताकि दीपन पाचन भी सही रहे, शंख पुष्पी जो यवकूट कर दी गई है, भूमि आमला की यवकूट हो चुकी है, बराही कंद अभी और जो है वो सूखने डाला है, उसका भी यवकूट हो जाएगा, हरित की हरड़ जो है वो ये शंख पुष्पी, इसका भी जो है वो यवकूट यहाँ पे हो चुका है, दोनों में पड़ेगा, च्यवनप्राश में भी और उसमें भी। और ये आपका बिल्व, ये शोनाक, ये पाटला, ये आपका अग्निमंत, और पुनर्नवा, ये मुग्धपर्णी है, कंटकारी है, और नागरमोथा है, स्वयं संग्रहित है, ये आप देख सकते हैं वहाँ भी माशपर्णी है, और ये जो है वो आपके पास अश्वगंधा है, वहाँ पे आपका
तुलसी पंचांग है। और देखिए दो कमाल के द्रव्य, एक शतावरी है, कलर देखिए आप इनका, और बड़ी बड़ी, और ये जो है वो मेदा है, ये बिदारी कंद है, और ये दृढ़िया जो है वो तीसरी प्रजाति है, दूसरी मैंने वहाँ पे दिखा दी थी, ये तो चिट आगे पीछे लगे हैं, दृढ़िया तीसरी प्रजाति, ये कृष्णपर्णी है, ओरिजिनल स्वयं संग्रहित एवं कृषिकृत, और ये जो है वो आपके पास शालपर्णी, ये शालपर्णी का पंचांग है, और ये शालपर्णी मूल और डंठल है, और ये काकनासा, अभी कुछ इसका गुणांतरधान करना है, और ये बला की चौथी प्रजाति, चार प्रकार की, आप कलर भी इसमें जो है वो अलग देख सकते हैं। तो ये जो है वो इस प्रकार से यवकूट कार्य यहाँ पे चला है। तो ये कुछ तैयारियाँ हो रही हैं महा चवन प्रास उत्सव की, महा ब्रह्म रसायन उत्सव की, जो स्वयं संग्रहित स्वयं कृषिकृत औषधियों से जो है वो तैयार होगा। बहुत कम औषधियाँ इसमें जो है वो हम दो या तीन चार औषधियाँ सिर्फ पंसारी से लेंगे, बाकी हम सारा जो है वो स्वयं एकत्रित करके शत प्रतिशत विशुद्धता के साथ नैसर्गिकता के साथ इसे जो है वो हम बनाएंगे। तो फिलहाल जो है वो ये कार्य चला है, बने रहें विशुद्ध आयुर्वेद के साथ, अपना आशीर्वाद भी हमें देते रहें। नमस्कार, जय भगवान धन्वंतरी।